की रक्षा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं रजनी सेन। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि देश के किन किन हिस्सों में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं, कोरोना के खिलाफ कैसे आगे बढ़ रही है देश में जंग, और दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का किया वर्चुअली उद्घाटन, कहा 8000 करोड़ से अधिक की लागत वाला रेल प्रोजेक्ट से आगरा होगा समृद्ध, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित करने की कोशिश। दिल्ली के शकरपुर में पुलिस की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, बड़ी संख्या में हथियार और अहम दस्तावेजों के साथ 5 आतंकवादी गिरफ्तार। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के पहले चरण में उदलगुड़ी और बक्सा की कुल 21 सीटों पर मतदान जारी, 12 दिसंबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जारी, 34 सीट पर 82 महिला उम्मीदवारों समेत 249 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। एक दिन के बाद देश में संक्रमण के मामले 4 लाख के नीचे, संक्रमण और मृत्यु के मामले प्रति 10 लाख की आबादी पर भारत में सबसे कम, प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 400 के नीचे। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्रेजेनेका वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की औषधि नियंत्रक से मांगी इजाजत। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने सैनिकों के त्याग और बलिदान को किया नमन, पीएम मोदी ने लोगों से की देश की सेनाओं के कल्याण में योगदान देने की अपील। ब्रेक्जिट व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के वार्ताकारों ने ब्रसेल्स में की यूरोपीय संघ से वार्ता, ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से अलग होने की राह में आ रहे मतभेदों को दूर करने की आखिरी कोशिश। और फॉर्मूला 2 रेस जीतकर जहान दारूवाला ने रचा इतिहास, फॉर्मूला रेस जीतने वाले बने पहले भारतीय, साखर ग्रांड प्री फॉर्मूला 2 रेस में शीर्ष पर रहे जहान। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मास्क जरूर लगाए रहना, क्योंकि लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं मास्क का। Shall I start? तो शकरपुर में जो मुठभेड़ हुई है उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकवादी स्पेशल सेल की गतिविधियां बढ़ी हैं, और जो काफी दिनों से एक ऑपरेशन पे काम कर रही थी जिसमें एसीपी हृदय भूषण, एसीपी ललित नेगी, इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर रविंद्र जोशी थे। एक उस काम पे करते करते आज सुबह एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5 लोगों को अप्रहेंड किया गया है। ये 5 लोगों में से 2 पंजाब बेस्ड हैं, 3 कश्मीर बेस्ड हैं, और
इनके पास से 3 पिस्टल्स, 2 किलो हेरोइन और 1 लाख रुपये कैश करी मिला है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है सामने वो ये कि ये इनकी अरेस्ट बेसिकली एक लिंक है, कड़ी है, जो कि शो करती है कि किस तरह से ISI खालिस्तान को, खालिस्तान मूवमेंट जो ये एक अलगाववाद फैलाना चाहते हैं उसको किस तरह से ये कश्मीर टेररिज्म से लिंक करवा रही है। और ये गेम प्लान जो है कश्मीर को खालिस्तान मूवमेंट से लिंक कराने का, उसका एक लिंक है ये। चूँकि FICN की सप्लाई के बाद, FICN की सप्लाई कम हो गई पोस्ट डीमोनेटाइजेशन में, FICN की सप्लाई जो है बिल्कुल एक ब्रेक सा लग गया, काफ़ी कम हो गई, तो दूसरा जो रास्ता टेरर फंडिंग का अख्तियार किया गया है वो है ड्रग्स से। ड्रग्स सोर्स किए जाते हैं अफगानिस्तान से, जहां ISI की प्रेजेंस है, और इस ड्रग्स का इस्तेमाल, ड्रग्स मनी को, इस ड्रग्स को बेचते हैं इंडिया में, और इसी पैसे से जो पैसा जनरेट होता है इस इलगॉटन मनी से, उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया जाता है। इसमें जो दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि चूंकि पंजाब के लोग डिसिल्यूजनड है खालिस्तान मूवमेंट से, और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है खालिस्तान की जो प्रोपोगेट करना चाह रहा है, तो इसीलिए ये गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टारगेट किलिंग्स में। गैंगस्टर्स के इस्तेमाल करने से इनका टू फोल्ड पर्पज सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कम्युनल डिसहारमोनी क्रिएट कर रहे हैं, नंबर टू ऐसे लोग जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं, टेररिज्म के खिलाफ खड़े होते हैं, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे बलविंदर सिंह संधू जी जिनका मर्डर हुआ था अक्टूबर के महीने में, उनकी किलिंग में ये जो दो हमने पकड़े हैं पंजाब बेस्ड, ये लोग उसमें शामिल थे। एक इसमें गुरजीत सिंह भूरा है और एक सुखदीप है। इसके साथ 3 जो पकड़े गए हैं, इसके इन दोनों के लिंकेजेस हैं एक सुखमीत और सुख भिखारीवाल से जो गल्फ बेस्ड है। साथ ही इनके लिंक हैं और भी गैंगस्टर्स हैं, ज्ञानदीप है, एक सुखा है जो अभी जुडिशियल कस्टडी में चल रहे हैं, जिनके ये बेसिकली ये गैंगस्टर्स हैं और इनके पीछे लिंकेजेस जो हैं वो पाकिस्तान बेस्ड ISI के जो ऑपरेटिव्स हैं उनसे हैं। सिमिलरली जो कश्मीरी लोग हैं, इसमें जो 3 पकड़े गए हैं, इसमें से 2 लोगों के क्लियर कट लिंकेजेस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली ये हिजबुल मुजाहिदीन के OGW कह सकते हैं, और इनका सेटअप पाकिस्तान में और POK में जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं उनसे हैं। तो बेसिकली इन दो मूवमेंट्स के बीच ग्लू का काम जो है वो ISI कर रही है, इन दोनों को लिंक करके, और एक 2 टेरर फंडिंग को लिंक करने की कोशिश कर रही है, इनको लिंक टेरर परसीव करने के लिए। ये काफ़ी लंबा ऑपरेशन था जिसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में, और उसके चलते ये सारे लोग पकड़े गए। काफ़ी सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रिम्स में हैं, वो हम आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि ये आज सुबह पकड़े गए हैं और इनके पास वेपन थे, ड्रग्स थे, पैसे थे, और एक चीज़ और जो सामने आई है वो ये कि ये और भी फर्दर जो पैसे का इस्तेमाल है वो और फर्दर टारगेट किलिंग में कर सकते थे, उसकी भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये इनका प्लान और क्या था। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है जो कश्मीर का है, एक कंपोनेंट पंजाब गैंगस्टर्स का है। तो जो पंजाब गैंगस्टर का कंपोनेंट है वो टारगेट किलिंग करते हैं, और जो कश्मीर वाला एंगल है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ड्रग्स की फाइनेंसिंग करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं और ड्रग्स के थ्रू टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। 1 at a time, please. Sir, you were talking about Sukhmeet Singh Sukhi and all. Who are these individuals and where they based and what are their associations? देखिए, सुख भिखारीवाल एक इनका एक हैंडलर है, जो पंजाब के ये दोनों गैंगस्टर्स इनका हैंडलर है, वो कहीं गल्फ में बेस्ड है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस पर काम चल रहा है, और पहले भी वो इस किलिंग के पीछे जो मास्टरमाइंड है जिसने ये डायरेक्शन दी थी किलिंग की, वो उसके थ्रू आई थी। वेपन्स वगैरह के अरेंजमेंट भी सुख भिखारीवाल ने अपने आदमियों के थ्रू करवाया था। इसमें इसको बहुत ही नीड टू नो बेसिस पे इन्होंने ये ऑपरेशन किया था कि टारगेट किलिंग किसी ने की, रैकी किसी ने की, वेपन किसी ने सप्लाई किए,
और इतना सिस्टमेटिक तरीके से कराया गया जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी किलिंग, जैसे मैंने कहा कि इसमें ये टिपिकल आईएसआई सिग्नेचर्स हैं जो मिले हैं। सर, ये बलविंदर सिंह संधू के की जो हत्या थी उसके बारे में अगर आप बता दें कि शूटर कौन था और किस तरह से कुछ प्लानिंग जो थोड़ा बहुत बताएं। देखिए, इसमें ये केस पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे लड़कों ने जो ये पकड़े गए हैं, ये दोनों लड़के, ये उस केस में इन्वॉल्व थे। वेपन अभी तक जो इन्होंने कन्फेस किया है वो बता रहे हैं कि ये वेपन्स वही हैं जो उसमें इस्तेमाल किए गए थे, बट दिस इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनका इसमें से एक जो गुरजीत है वो एक्चुअल शूटर है जिसने गोली मारी थी। इसके साथ दो लोग और भी थे, एक जो हमने पकड़ा है वो, और एक आदमी और भी है कोई, और ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिन्होंने ये कैरी आउट किया था। किसी ने रैकी की थी, गुरजीत ने शूटिंग की थी, कहीं से गाड़ी छीन के इन्होंने वारदात की थी। तो जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल नीड टू नो बेसिस पे किया गया ऑपरेशन था इनका। और जो बलविंदर सिंह संधू साहब थे कॉमरेड, वो टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ थे, इसलिए उनको साइलेंस किया गया। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कई सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में हैं, वो अभी आपसे जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब हम शेयर कर पाएंगे, अभी हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसका वो बॉर्डर के उससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, इस तरह का सर ये टारगेट किलिंग करते थे, दिल्ली में इतना बड़ा एक मूवमेंट भी चल रहा है, काफी भीड़ है कई बॉर्डर्स पे, तो कुछ इस तरह का नहीं, उससे कोई कनेक्शन नहीं आया। बॉर्डर वाले जो आंदोलन है उससे इनका कोई कनेक्शन नहीं। बलविंदर सिंह संधू के इन लोगों ने जो टारगेट किलिंग की, तो बैक कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मैंने आपसे कहा कि बलविंदर सिंह संधू के लिए इनकी टास्किंग सुख भिखारी वाल ने की थी, और नेचुरली बलविंदर सिंह सुख भिखारी वाल एक पंजाब का बड़ा वाला गैंगस्टर है जिसने आगे इन फर्दर इन एसेसेंस को इस्तेमाल किया था, और उसके पीछे जो एजेंसीज हैं, मतलब जो सो कॉल्ड नकली खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं कि साहब ये खालिस्तान मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान आईएसआई है जो करवा रही है। देखिए, नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कई चीज़ें अभी रीम्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हैं, तो वो प्रिपेयर्ड स्टेज आने पर हम शेयर करेंगे, बट डेफिनेटली इन्होंने कुछ प्लानिंग की हुई थी, उस पर काम चल रहा है। अभी इनका लिंक अभी तक जो हमें पता चला है वो इस इन्वेस्टिगेशन, इस मर्डर से पता चला है। ये हालांकि क्रिमिनल्स हैं, इन पे कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं, पर और किसी में अभी तक इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो जैसा होगा वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हिजबुल के, उनके हिजबुल से कनेक्शंस हैं, ये एसेसेंस हैं, ये इनके गैंगस्टर से संबंध है। तभी मैंने कहा आपसे कि ये एक तरफ आप देखिए इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के जो OGWs हैं या उनके जो ऑपरेटिव्स हैं वो आ रहे हैं, और वो दो मिल रहे हैं, और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं, एक गैंगस्टर कहीं गल्फ में बैठा हुआ है, एक जो कश्मीर वाला है उनका ऑपरेटिव पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो इनको मिलाने वाली एजेंसी नेशनली जो हमारा जा रहा है, जो पता चला इन्वेस्टिगेशन से कि इनके पीछे ऐसा ही है। देखिए, ये पंजाब पुलिस बेटर बता पाएगी, लेकिन जितना हमें पता है कि बलविंदर सिंह जी उन पर पहले भी कई बार अटैक हुए थे, वो टेररिज्म के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाते थे, और एक नहीं सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, 30 का पिस्टल है, 39 mm के पिस्टल है। दिल्ली आने का इनका क्या मकसद था? देखिए, मैंने कहा कि इनका यहाँ पर कुछ एक्सचेंज ऑफ मनी भी होना था, और प्लस इनको कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिलने थे जिसके पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बेगोबार्डन ये गुरदासपुर के हैं, मैं आपको डिटेल दे दूंगा अभी आपको ये कहाँ। हाँ, इनकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, इनकी सर दोनों के, इन पर कार जैकिंग के, एक्सटॉर्शन के, NDPS के, इस तरह के सारे केसेस हैं, उनकी वेरिफिकेशन अभी कर रहे हैं। Kashmiri would to be developed of several groups as well as these pro Khalistani elements together. This is what has been happening for past quite time. I mean, that is what you see in the reams of investigation also. It has come. Sir,
एंड मतलब दिस इज व्हाट इज इमर्ज्ड फ्रॉम द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड प्लस वी ऑल्सो गेट इंटेलिजेंस ऑफ दिस काइंड सो दिस इज कम एज नो सरप्राइज बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड पीपल आर डिसिल्यूजन्ड विद दिस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ऑफ खालिस्तान पीपल इन पंजाब आर डिसिल्यूजन्ड दैट इज वाई दे आर यूजिंग दीज डिसग्रंटल्ड गैंगस्टर्स एंड क्रिमिनल्स तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, प्रमोद कुशवाहा डीसीपी स्पेशल सेल मीडिया को संबोधित कर रहे थे। और दिल्ली पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, आज 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका संबंध खालिस्तान से है, हिजबुल मुजाहिदीन से है और साथ ही ISI से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। इनमें से 2 आतंकवादी पंजाब से हैं जबकि 3 जो है उनका संबंध कश्मीर से बताया जा रहा है। इसके अलावा इसमें ड्रग फंडिंग एंगल भी सामने आ रहा है और शुरुआती जाँच शुरू हो गई है, आगे जैसे जैसे जाँच बढ़ेगी और भी तथ्य सामने आएंगे और पंजाब पुलिस भी इनका सहयोग कर रही है। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकवादी जिसे दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया है और एक बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है। और आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत कुल 29 किलोमीटर लंबाई के 2 मेट्रो गलियारों का निर्माण किया जाएगा जो आगरा आने वाले पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केंद्रों ताजमहल, आगरा का किला और सिकंदरा को रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से जोड़ेंगे। इस योजना के तहत आगरा में 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल ट्रैक भी तैयार किया जाएगा जिसके 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर ताज पूर्वी गेट से सिकंदरा तक होगा, इसकी लंबाई 24 किलोमीटर होगी और 7 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक होगा जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर की होगी। ये मेट्रो परियोजना 5 वर्ष में पूरी होगी। और पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके तहत सरकार ने अब नई परियोजनाओं की शुरुआत की है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से प्रोजेक्ट बरसों तक लटके रहते थे, उनमें काम की रफ्तार बहुत धीमी होती थी, नाम मात्र का काम होता था। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई की साधन है। पीएम ने उम्मीद जताई कि जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है पर्यटन उद्योग के पुराने दिन जल्द ही लौटेंगे। सरकार के प्रयासों से भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर आ गया है जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगति हुई है, मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। पीएम ने कहा कि देशवासियों का सरकार पर विश्वास बीते हर चुनाव में दिखाई दिया है, यूपी सहित देश के कोने कोने में चुनाव नतीजों में ये विश्वास झलक रहा है। देश की बहनों बेटियों, देश के युवाओं, देश के किसानों, देश के श्रमिकों, कर्मचारियों, व्यापारियों का विश्वास बीते हर चुनाव में दिख रहा है। यूपी सहित देश के कोने कोने में
चुनाव के नतीजों में ये विश्वास झलक रहा है। तो आगरा को मिला मेट्रो परियोजना का तोहफा और मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं ताजा खबर की। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी चुनाव का आज पहला चरण है। आज उदलगुड़ी की 10 और बक्सर जिले की 11 सीट पर बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनाव के पहले चरण में वोटिंग हो रही है। पहले चरण में उदलगुड़ी में 60 प्रत्याशियों सहित कुल 132 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 10 दिसंबर को परिषद के दूसरे चरण के चुनाव में कोकराझार और चिरांग जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। 40 सदस्यीय परिषद के चुनाव के लिए दो चरणों में 11,79,020 महिला मतदाता सहित कुल 23,82,036 मतदाता मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। मतों की गिनती 12 दिसंबर को होगी। बीटीसी का यह आखिरी चुनाव है। 27 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित हुआ था नया बोडो शांति समझौता। समझौते के प्रावधानों को लागू करने के बाद बीटीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र बन जाएगा। परिषद चुनावों में मुख्य मुकाबला बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीएफपी, भारतीय जनता पार्टी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल जैसे दलों के बीच है। बोडोलैंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय तक छात्र आंदोलन करने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद बोडो की पार्टी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी अपने नए गठबंधन सहयोगी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF को साथ लेकर चुनाव लड़ रही है। अगरामा मोहिलारी के नेतृत्व वाली बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF इन चुनावों के जरिए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में चौथी बार सत्ता पर कब्जा करने के लिए लड़ाई में है। चुनाव कर्मियों को मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। तो आसाम में BTC चुनाव काफ़ी अहम है। एक लंबा दौर देखा है आसाम ने उथल पुथल का, हिंसा का, और अब दोबारा असम जो है विकास और शांति के मार्ग पर लौटना चाहता है। और इसीलिए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद ना केवल यहाँ की स्थानीय पार्टियों के लिए, ना केवल देश की पार्टियों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए और ख़ासकर असम की जनता के लिए चुनाव काफ़ी अहम है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो ये चुनाव अगर हम पहले उस पर नज़र डालें तो ये दो चरणों में हो रहे हैं। पहला चरण आज संपन्न हो रहा है 7 दिसंबर को, जहां उदलगुड़ी और बक्सर ज़िले में आज मतदान हो रहा है। और इसके बाद दूसरा चरण जो होगा वो 10 दिसंबर को होगा। 10 दिसंबर को कोकराझार और चिरांग ज़िले में वोटिंग डाली जाएगी। 12 दिसंबर को इन चुनावों की मतगणना होगी। आज सुबह 7 बजे से जो है मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, वो मतदान कर रहे हैं। अगर बात करें मतदाताओं की तो 40 सीट पर 24 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं जो प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। 241 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जो भविष्य की राजनीति को दशा और दिशा देंगे। इसके अलावा दो चरणों में चुनाव में कौन कौन सी पार्टियां हैं, भाजपा के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है चुनावों का। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF की प्रतिष्ठा दांव पर है। सत्तारूढ़ पार्टी है जिसने काफ़ी सारी चुनौतियां देखी हैं और आगे भी उसे उम्मीद है कि देश की और असम की जनता जो है, अगर BTC की जनता जो है वो उसको सहयोग करेगी। कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट साथ में चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल UPPL के लिए भी अहम चुनाव है। ये वो पार्टी है जिसने छात्र आंदोलन को मुद्दा बनाकर, छात्र आंदोलन को आधार बनाकर अपना राजनीतिक भविष्य तय किया था। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 10 फरवरी 2003 को हुई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य था असम को हिंसा के दौर से निकालकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना। BTC की अगर बात करें तो कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसमें 4 ज़िले हैं। इसमें कोकराझार ज़िला है, इसमें बक्सर ज़िला है, इसके अलावा इसमें 2 ज़िले और हैं, चिरांग ज़िला है और उदलगुड़ी ज़िला भी इसमें
शामिल है। और बात करें क्षेत्रफल की तो राज्य के क्षेत्रफल का 11% यानी 11% क्षेत्रफल का हिस्सा बीटीसी के हिस्से में आता है, तो एक बड़ा क्षेत्रफल इसके पास है। और 27 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार के साथ ये हस्ताक्षरित हुआ नया बोडो शांति समझौता। समझौते के प्रावधानों को लागू करने के बाद बीटीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र बन जाएगा। तो बीटीसी का अगर देखा जाए तो ये आखिरी चुनाव है और इसके बाद इसकी जो इसका निर्माण है और इसका जो आकार है, इसका स्वरूप है, वो बदलने वाला है। इसका उद्देश्य था बोडो समस्या से जुड़े सभी पक्षकारों को एक मंच पर लेकर आना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, ताकि असम में जो उथल पुथल का दौर था उसे रोका जा सके और विकास के मार्ग पर उसे आगे बढ़ाया जा सके। क्षेत्रीय अस्थिरता को कम कर निवेश को बढ़ावा देना, हिंसा से जुड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का इरादा, ये सबसे अहम बात थी जिसमें कई सारे उग्रवादी संगठनों ने हथियार डाले थे और वो एक ही छाते के तले बीटीसी के अंतर्गत आए थे और विकास के मार्ग पर उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश की थी। तो बीटीसी की स्थापना के ये उद्देश्य हैं जिसमें असम राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना भी एक अहम बात है। हिंसा से जुड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का इरादा है, साथ ही क्षेत्रीय अस्थिरता कम हो, वहाँ पर एक राजनीति स्थायित्व हो, लोगों की समस्या सुनी जा सके, लोग एक ही प्रशासन के अंतर्गत आ सके और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके, इसी उद्देश्य से बीटीसी का गठन हुआ था और इसी लिए ये चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। और क्या क्या वहाँ पर सरगर्मियाँ चल रही हैं जानने के लिए गुवाहाटी से हमारे साथ दुइना जुड़ रही हैं। दुइना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुइना, अगर बात करें पहले चरण के चुनावों की, सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुए थे, कैसा वहां पर उत्साह है मतदाताओं के भीतर, क्या समस्याएं थी, क्या मुद्दे थे जिन पर मतदाताओं का ध्यान आकर्षित किया गया? जी रजनी, पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी उदालगुरी, जो आज फर्स्ट फेज में 2 डिस्ट्रिक्ट का पोलिंग हुए है, उसमें से बाक्सा डिस्ट्रिक्ट और उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट, और मैं अभी खड़ी हूँ उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट के एक पोलिंग बूथ में। और यहाँ सुबह 7 बजे से देख रहे हैं कि किस तरह मतदाता आके मतदान कर रहे हैं, बहुत उत्साहजनक ये परिस्थिति है। सब लोग, बहुत लार्ज नंबर टर्नआउट है वोटर्स का, और स्पेशली आप देख सकते हो मेरे पीछे जितने भी है महिला भी बहुत आगे आके ये लोग वोट कर रहे, अपने जो ये राइट है वोटिंग का वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और साथ में अगर कहे तो इस बार का जो चुनाव है बीटीसी चुनाव, वो काफ़ी अलग है पहले से, क्योंकि इस बार की जो स्ट्रांग अपोजिशन है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है, UPPL है, ये काफ़ी स्ट्रांग है। और सरकार की तरफ से जो बीजेपी की तरफ से जो जिस तरह से जो कैंपेनिंग की गई है, जो फर्स्ट फेज की कैंपेनिंग जो शनिवार को ख़त्म हुई है, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि खुद मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आके बहुत जगहों में कैंपेनिंग की, फिर स्टार कैंपेनर के हिसाब से हिमंत विश्व शर्मा और सीनियर मंत्री जितने भी है वो लोग आके यहाँ काफ़ी सारे जो सभा है वहाँ पे कैंपेनिंग करके बीजेपी के लिए, साथ में जो UPPL भी है उसके प्रमोद बोरो जो लीड कर रहे हैं ये पार्टी, इसमें भी दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से वो लोग भी मतलब लगे हैं, ताकि उन लोग को भी उन लोगों का भी वोट्स ज़्यादा मिले। तो इस तरह से, और दूसरी बात रजनी, और एक बात है, इस बार का सिचुएशन और एक बात के लिए अलग है, क्योंकि COVID-19 का सिचुएशन, तो जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितने भी जो गाइडलाइंस दिए हैं, उसके चलते यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बाक्सा के हो या उदालगुरी के, दोनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी पोलिंग पर्सनल है, सबका ख्याल रख रहे हैं, मास्क, फेस शील्ड, फिर ग्लव्स, सैनिटाइजर वगैरह सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जितने भी मतदाता पोलिंग बूथ में आ रहे हैं, उन लोग का थर्मल स्कैनिंग, हर वोटर का थर्मल स्कैनिंग हो रहा है। तो ये एक यहाँ की परिवेश है। और साथ में रजनी, और एक बात, क्योंकि आपने कहा है कि जो पीस अकॉर्ड के बारे में, ये बहुत सही बात है, क्योंकि जो पीस अकॉर्ड रिसेंटली साइन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के जो मन में जो डर था वो नहीं है अभी, लोग हर जगह से खुले हम आके विद ओपन माइंड वो लोग आके वोट कर रहे हैं, और हर कम्युनिटी के, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी बोरो है, लेकिन 30% अदर कम्युनिटीज़ है, जैसे राभा है ट्राइब,
जैसे नेपाली है, बंगाली है, एसमिज है, तो सब लोग एक साथ आके शायद उन लोग को चेंज चाहिए, क्योंकि दो तीन जनों के साथ मेरी बातचीत भी हुई थी तो उन लोगों ने भी कहा कि थोड़ा चेंज हम लोगों भी को भी चाहिए, तो देखते हैं। और एक बात है, क्योंकि 2005 से बीपीएफ का ही यहाँ राजत्व चल रही है, तो उसमें भी एक एंटी इनकम्बेंसी की भी बात है। रजनी जी बिल्कुल दुइना, तो एक अभूतपूर्व समय है देश भर में चुनावों के लिए, और बीटीसी भी इससे अलग नहीं है, लेकिन फिर भी आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन लोग घर से बाहर निकले हैं और भारी मात्रा में मतदान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुइना आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 17 सीटों पर कश्मीर और 17 सीटों पर जम्मू में चुनाव होगा। कुल 249 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 138 कश्मीर और 111 जम्मू में हैं। करीब 7,17,322 मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 1,910 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही सरपंचों की 50 खाली सीटों और 216 पंचों की खाली सीटों के लिए उपचुनाव भी आज ही होगा। कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ ड्रोन द्वारा भी निगरानी की व्यवस्था की गई है। कोविड के मद्देनज़र भी खास सावधानी बरती जा रही है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सहूलियत के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डीडीसी यानी जिला विकास परिषद चुनाव की प्रक्रिया के बारे में खास बातों पर अगर नज़र डालें तो 28 नवंबर से शुरू हुई थी ये चुनाव प्रक्रिया, जिस 19 दिसंबर तक ये चलेगी और कुल 8 चरणों में इसमें वोट डाले जाएंगे। आज चौथे चरण में 34 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं। चौथे चरण में जम्मू संभाग की 17 और कश्मीर की 17 सीटों पर मतदान। इस दौर के चुनाव में कुल 249 उम्मीदवार मैदान में हैं, 138 उम्मीदवार कश्मीर से हैं, 111 जम्मू से हैं, और पहले चरण में 51.76% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया था और दूसरे चरण में कुल 48.62% मतदान हुआ। तीसरे चरण की अगर बात करें तो 50% से ज़्यादा वोट डाले गए। वहीं 22 दिसंबर को इन चुनावों की मतगणना होगी और श्रीनगर से हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ रही हैं। रमा स्वागत है आपका। आज चौथे चरण के मतदान है और तीन चरणों में हमने देखा है कि बड़े उत्साह से लोग घरों से बाहर निकले हैं और वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है। चौथे चरण में भी वही उत्साह कायम है? बिल्कुल रजनी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, मैं श्रीनगर नहीं, मैं गांधरबल में मौजूद हूँ। श्रीनगर में पहले दो चरणों में चुनाव था, अब बाकी के डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अनंतनाग है, कुपवाड़ा है, गांधरबल है, बड़गाम है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में चुनाव है। और गांधरबल के जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ के बारे में बता दूँ, ये काफ़ी ऊँचाई पर स्थित है, पहाड़ी इलाका है, और उसके बावजूद काफ़ी सर्दी यहाँ पर पड़ती है। सुबह 7 बजे से लेकर जो मतदाता थे उनके आने का अभी तक जारी है, हालांकि अब जो है मतदाता जो है रुक रुक कर आ रहे हैं अपनी सुविधा के मुताबिक, लेकिन सुबह के टाइम बहुत लंबी कतारें यहां पर देखी गई थी, टाइम से पहले लोग यहां पर मौजूद थे, तो उत्साह जो है लोगों में चौथे चरण में भी बखूबी बरकरार है। और लोग जब हमने उनसे बात की तो विकास के नाम पर लोग यहां पर वोट डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से उन्हें मौका मिला है डीडीसी चुनाव में अपने क्षेत्र का विकास करने का, उनकी जो लंबी मांगे हैं उन्हें परिपूर्ण करने का, और अपना एक प्रतिनिधि, एक ऐसा प्रतिनिधि चुनने का जो उन्हें समझता है, उनकी समस्याओं को समझता है, उसको आगे बढ़ा सकता है और उसमें जो तेजी ला सकता है, जो निर्माण कार्य हैं या जो इस तरह की गतिविधियां हैं जिसमें कि विकास कार्य तेज होते हैं, तो ये सब बातें हैं जो कि मतदाताओं को यहां पर खींच कर लाई हैं। इसके अलावा प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, सुरक्षा की यहां पर पूरी व्यवस्था है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग निर्भीक होकर आ रहे हैं। ये चुनाव पूर्व के चुनावों से इस तरह भी भिन्न है, अगर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे जम्मू कश्मीर के चुनावों में तो मतदाता इतनी निर्भीकता के साथ नहीं आते थे पोलिंग बूथ्स पर, और काफ़ी हिंसा की भी खबरें आती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से साफ सुथरे ढंग से, पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, उससे भी मतदाताओं में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। इसके अलावा कोविड भी एक बड़ी चुनौती थी, तो कोविड प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश उनको भी पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर चुनाव कर्मी पूरा एक किट लेकर
बैठते हैं, पीपीई किट उनके पास रहती है, थर्मल स्कैनर उनके पास रहता है जिससे कि वो मतदाताओं का स्कैन कर रहे हैं। मैं कहूँगी अपने कैमरा पर्सन कुलदीप शर्मा को दिखाएं कि किस तरह से जो पीछे एंट्री पर ही अभी भी कुछ मतदाता आ रहे हैं और जिस तरह से ये लोग उनका स्क्रीनिंग करते हैं या हैंड सैनिटाइज कराते हैं, या अगर कुछ मतदाताओं के पास मास्क नहीं होते हैं उनको मास्क भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो तमाम जो दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, तमाम प्रक्रियाएं रजनी पूरी की जा रही हैं और उसी की वजह से आप देख सकती हैं कि जो चुनाव है वो बड़ी सफलतापूर्वक यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। ये चौथा चरण का चुनाव है, कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह जो है वो बेहद उल्लेखनीय है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि कोविड की चुनौती है, सुरक्षा की चुनौती है और ठंड भी जोरों पर है। बावजूद इसके ना केवल युवा बल्कि कई बुजुर्ग मतदाता भी हमने देखे भारी तादाद में वहां आए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमा आपका हमसे जुड़ने के लिए। और भारत में कोरोना के खिलाफ जंग लगातार तेज हो रही है और नए मकाम भी हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश भर में 6 दिसंबर तक कुल 14,77,87,656 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 6 दिसंबर को 8,01,081 नमूनों की जांच हुई। छह दिसंबर तक के कोरोना से संबंधित आंकड़े हैं, जांच में तेजी ला रही जा रही है और 6 दिसंबर को 8,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच हुई है। नई पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट ने देश के औषधि महानियंत्रक से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार किए गए वैक्सीन को लेकर बात की है, लेकिन इससे पहले कोरोना के खिलाफ जो जंग तेज हो रही है और उसमें आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं आपको, उसमें प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 400 के नीचे आई है। ये एक अहम मकाम है जिसमें संक्रमण जो है अब उसे कम करने की कोशिश की जा रही है और अब तक 91,39,901 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 94.45% हो गई है, रिकवरी रेट लगातार उसमें सुधार हो रहा है, मृत्यु दर घटकर 1.45% हुई है। तो कोरोना के खिलाफ जंग तेज है, पिछले 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा मरीज सेहतमंद हुए हैं और 140 दिन के बाद देश में संक्रमण के मामले 4,00,000 के नीचे दर्ज किए गए हैं। और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने देश के औषधि महानियंत्रक से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार किए गए कोविड 19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रविवार को भारत में ऑक्सफोर्ड के कोविड 19 टीके कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग की औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष आवेदन करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है। सीरम ने महामारी के दौरान चिकित्सा आवश्यकताओं और व्यापक स्तर पर जनता के हित का हवाला देते हुए ये मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया है। इससे पहले शनिवार को अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड 19 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय दवा नियामक के समक्ष आवेदन दिया था। सीरम ने वैक्सीन के 4,00,000,000 से ज्यादा खुराक भी तैयार कर लिए हैं। और आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिन देश की रक्षा करते हुए अभूतपूर्व त्याग और बलिदान करने वाले शहीद सैनिकों की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर ट्वीट कर कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। भारत को उनकी वीरता और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। हमारी सेनाओं के कल्याण में योगदान दें, यह कार्य हमारे कई बहादुर जवानों और उनके परिवारों की मदद करेगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट संदेश आप देख रहे हैं जो उन्होंने सैनिकों और उनके परिजनों के लिए दिया है। भारत को उनकी वीरता और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। हमारी सेनाओं के कल्याण में योगदान दें, यह कार्य हमारे कई बहादुर जवानों और उनके परिवारों की मदद करेगा। तो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए आगे आएं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है।
और इसके अंतर्गत लोगों से आर्थिक सहयोग लिया जाता है, जिसका उपयोग सैनिकों और परिजनों के कल्याण में किया जाता है। तो लगातार अपील की जा रही है और इस दिन लोगों से इकट्ठा किया गया धन सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में बैंक चेक के जरिए जमा किया जाता है। धन को सीधे सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में भी जमा किया जा सकता है। योगदानकर्ताओं के लिए पता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक, फोर विंग, सेवंथ आरकेपुरम, नई दिल्ली, 1100066। योगदानकर्ता इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, 0112619261। बैंक अकाउंट का विवरण भी आपको बता दें, PNB अकाउंट नंबर है 3083001001079875 और IFSC कोड है PUNB 03083000। शाखा है सेवा भवन आरकेपुरम। SBI अकाउंट नंबर भी आपको बताते चलते हैं 3442040623 यानी 3442040623। IFSC कोड अगर बात करें तो SBIN 0001076 है और शाखा है आरकेपुरम। ICICI अकाउंट नंबर भी आपको बताते चलें 1824010013। IFSC कोड आपको बताते चलें ICICI 0001824 और शाखा है आरकेपुरम। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि पर आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। सारा विवरण आपके सामने दिया गया है और हम आपको लगातार बताते रहेंगे इसके बारे में। तो आप इस धन को, इस योगदान को सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए देश में योगदान दे सकते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और सेवा को सलाम किया है और कहा है कि यह दिन पूर्व सैनिकों, अलग अलग सैनिकों और विभिन्न राष्ट्रों की रक्षा करने वाले लोगों के परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमारे गंभीर कर्तव्य की याद दिलाता है। सैनिकों के कल्याण के लिए फंडरेज या योगदान के लिए आगे आने का दिन है आज। और लगातार राजनेता अपील भी कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भी ट्वीट में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके परिवारों के प्रति उनके साहस और राष्ट्र के लिए बलिदान के लिए आभार व्यक्त किया है और कहा है कि आइए बहादुर कर्मियों के परिवारों के कल्याण में योगदान देने का संकल्प लें। तो आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं। राजनेताओं ने अपील की है कि आप सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए आर्थिक रूप से मदद देने में आगे आए और इसके लिए सारा विवरण आपको दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा। वहां पर आप आर्थिक रूप से योगदान दे सकते हैं सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए। प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि हमारे जो सैनिक हैं वो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने में पीछे नहीं हटते हैं, हमें भी उनके परिजनों के आर्थिक कल्याण के लिए कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर देना चाहिए। और मिड प्राइम में अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और बिजनेस की दुनिया की हलचलों से रूबरू करा रहे हैं अजय मिश्र। रजनी, शुरुआत करते हैं आज शेयर बाजार से और शुरुआती कारोबार में अगर हम देखें तो सेंसेक्स 2800 अंक ऊपर 45,300 के पार और निफ्टी ने आज 13,300 का आंकड़ा पार किया। विदेशी संस्थागत निवेशकों के बढ़ते रुझान की वजह से इंडेक्स में तेजी दिखाई दी। ITC, ICICI बैंक, HUL, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, SBI में तेजी दिखाई दे रही है। उधर नेस्ले, HDFC बैंक, JSW स्टील, कोटक महिंद्रा में गिरावट है। इस वक्त अगर हम इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 58 अंक ऊपर 13,317 और BSE सेंसेक्स 213 अंक ऊपर 45,292 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में 0.39%, निफ्टी IT में 0.38%, स्मॉल कैप में 1% से ज़्यादा की बढ़त और मिड कैप में करीब 0.57% की बढ़त दिखाई दे। ऑटो में गिरावट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में गिरावट है, मेटल्स में गिरावट है, लेकिन बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं वो चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
उधर सरकारी तेल कंपनी ONGC के शेयरों में 5% से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। दरअसल कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को यह सूचना दी थी कि ONGC विदेश लिमिटेड ने कोलंबिया में तेल की खोज में सफलता पाई है। कंपनी का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी तेल के कुएं खोदने की योजना है। फिलहाल कंपनी का दावा है कि मौजूदा तेल क्षेत्र से रोजाना 6,300 बैरल कच्चा तेल निकाला जा सकता है और यही वजह है कि स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। ONGC विदेश की एक बड़ी सफलता। और चलते चलते आपको बताएं कि जो सोना है वो गिरावट के बाद यानी 48,000 के नीचे जाने के बाद अब थोड़ी सी तेजी दिखाई दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दिखाई दी, जिसकी वजह से भारत में भी MCX में वायदा बाजार में जो सोना है वो बढ़कर के खुला है। पिछले सप्ताह सोने में करीब 1200 रुपये की तेजी आई थी। हालांकि सोना अभी भी 50,000 रुपये के नीचे है। सोने को उसके उच्चतम स्तर से देखा जाए तो ये करीब 7,300 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। यानी भले ही इस हफ्ते सोने के दाम बढ़े हों लेकिन अभी भी सोना खरीदने का एक मौका आपके लिए है। हफ्ते की शुरुआत में सोना 47,625 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जो अब 48,813 के स्तर पर फिलहाल फिलहाल व्यापार प्राइम की आज की संख्या सिर्फ इतना ही। वापस खबरों के लिए चलते हैं रजनी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। और मिड डे प्राइम में अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। और साल के आखिर में असमंजस की स्थिति से बचने और अंतिम समय में ब्रेक्जिट व्यापार समझौते को मूर्त रूप देने के मकसद से ब्रसेल्स में ब्रिटिश वार्ताकार यूरोपीय संघ के साथ बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत यूरोपीय संघ के मुख्यालय में चल रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने शनिवार को आपस में बातचीत की और तीन प्रमुख मुद्दों पर उपजे गतिरोध के कारण एक दिन पहले रोक दी गई बातचीत को अपनी टीमों को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। 31 जनवरी को ब्रिटेन द्वारा औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ देने के बाद से अब तक दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉक के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की समय सीमा कई बार निकल चुकी है। दोनों पक्षों के बीच इस बदलाव की स्थिति से निकलने के लिए आखिरी समय सीमा 31 दिसंबर है। और ब्रिटेन में COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम के पहले चरण के तहत जिन लोगों को टीका लगाया जाएगा उनमें स्वास्थ्यकर्मी, 80 साल से ज़्यादा आयु के लोग और घरेलू कामगार शामिल हैं। ब्रिटेन सरकार वैक्सीन को अस्पतालों तक पहुंचाने में जुटी है। इस सप्ताह की शुरुआत में ब्रिटेन की औषधि एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद नियामक एजेंसी ने फाइजर बायोएनटेक COVID-19 टीके को मंजूरी दे दी थी। ब्रिटेन ने कुल 40 मिलियन खुराक मंगवाई है। हर व्यक्ति को दो खुराक की ज़रूरत होती है, जो कि 67 मिलियन के देश में 20 मिलियन लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त है। पहले सप्ताह के भीतर लगभग 8 लाख की खुराक उपलब्ध होने की उम्मीद है। बेल्जियम से आने वाली प्रारंभिक खुराक को देश भर में सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित किया जा रहा है, जहाँ उनकी गुणवत्ता की जाँच की जाएगी। और ब्रिटेन इस हफ्ते अपने नागरिकों को फाइजर बायोएनटेक COVID-19 वैक्सीन लगाना शुरू कर देगा। ऐसा करने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला राष्ट्र होगा। इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। ब्रिटिश सरकार डॉक्टरों के क्लिनिक में वैक्सीन के शॉट्स उपलब्ध कराने से पहले शुरुआती स्तर पर अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। मंगलवार से ब्रिटेन में लोगों की वैक्सीन का पहला खुराक दिए जाने की तैयारी की जा रही है। वैक्सीन दिए जाने को लेकर ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस की ओर से 80 साल की आयु से ऊपर के बुजुर्गों, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों और घरों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे कर्मियों को प्राथमिकता में रखा गया है। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खेल की दुनिया की खबरें। और खेल प्राइम में क्या है खास बता रही हैं सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। शुरुआत करते हैं फार्मूला से जुड़ी खबर से। भारतीय फार्मूला 2 ड्राइवर जेहान दारूवाला ने रविवार को सखीर ग्रांप्री जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही वे फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। फार्मूला 2 चैंपियन मिक शूमाकर और डेनियल टिकटुम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 22 वर्षीय भारतीय सत्र की अंतिम फार्मूला 1
ग्रांप्री की सपोर्ट रेस में शीर्ष पर रहे। रियो रेसिंग टीम के लिए ड्राइविंग कर रहे जेहान ने फाइनल के दिन ग्रिड पर दूसरे स्थान से शुरुआत की और अंतिम लैप में सभी को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। और फिलहाल हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद संबोधित सुधारों को लेकर जो कानून बने हैं उसको लेकर कुछ किसान संगठनों ने जो शंका उठाई है उसके लिए चर्चा हो रही है। वो अपनी चर्चा की अलग प्रक्रिया है जो सरकार कर रही है, लेकिन अचानक तमाम विपक्षी दल या गैर भाजपाई दल कूद गए और आज हम विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसीपी, उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने के लिए आए। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस is designed to expose the shameless double standards of the non-BJP opposition parties as far as reform in the farming sector is concerned. आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़ कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पर नहीं आए, उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है, अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं विरोध के लिए विरोध, अपोजिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, फॉरगेटिंग देयर ओन वर्क एंड पास्ट इन द पास्ट। तो आज हम आपके सामने कुछ सिलसिलेवार विषय को रखना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था। पूर्व में एक बार हल्की चर्चा हुई है, ये देखिए इन्होंने साफ कहा है अपने पेज नंबर 17, अपने चुनाव घोषणा पर का पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 17, पॉइंट नंबर 11 क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाती है उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे, जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। ये देखिए आप, आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देश के, ये उनके देखिए ओरिजिनल मैनिफेस्टो है उनके कांग्रेस पार्टी की, और इसमें मैंने अंग्रेजी पढ़ा, फिर पढ़ता हूं, मैंने पढ़ दिया, देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं।
पॉइंट नंबर 11 पेज हेडिंग 7 एग्रीकल्चर फार्म्स एंड फार्म लेबर, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चरल स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। ये अंग्रेजी है, हिंदी में देखिए, कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। अब कांग्रेस पार्टी के लोग जो ड्राफ्ट करते हैं रिपील और अमेंडमेंट पे अंतर नहीं समझते हैं, तो लगता है उनको कुछ आउटसोर्स करना चाहिए ड्राफ्टिंग को, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। अगर हिंदी भी मान लें तो संशोधन के पक्ष में वो थे जो हमारी सरकार ने किया है। अब जरा आपको हम राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार कहा था, ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपीए के सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स, ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। कांग्रेस रूल स्टेट्स विल डिलिस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बाई जनवरी 15 एंड विल गिव फ्री चॉइस टू फार्मर्स। तो 2013 में जब उनकी सरकार थी तो राहुल गांधी ने बुलाया था ये बैठक, ये आपकी जानकारी में रहना बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है ये मैंने आपको बताया, कुछ और बताऊंगा। अब जरा देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार जी के बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा है, क्योंकि वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जब वो देश के कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर अफेयर्स, तो देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। अभी मैं आपको दो चिट्ठी दिखाऊंगा जो उन्होंने 11 अगस्त 2010 को उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी और फिर नवंबर में शिवराज सिंह चौहान को लिखी। देखिए मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूं शरद पवार का। As you are aware, my dear Sheila ji, as you are aware, the agriculture sector needs well-functioning markets to drive growth, employment and economic prosperity. This requires huge investment in market infrastructure including cold chain. And for this, private sector participation is essential, for which an appropriate regulatory and policy environment needs to be इन प्लेस। अतः इसमें मंडी एक्ट में बदलाव जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, किसानों को कहीं मंडी में बेचने का अवसर मिलना चाहिए, यह सब इसमें लिखा हुआ है और यह सब इसमें भी लिखा हुआ है। आपको बताऊं शरद पवार जी ने शेखर गुप्ता को एक इंटरव्यू दिया था 2005 में यूपीए की सरकार में। उन्होंने क्या, देखिए सवाल क्या है और आंसर क्या है मैं देश के सामने ले जाना चाहता हूं। व्हाट डू यू सी द, व्हेन डू यू सी द एपीएमसी एक्ट बीइंग एबॉलिश्ड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडी एक्ट कब तक खत्म होगा? इन्होंने क्या कहा, माय ओन असेसमेंट इज इट विल टेक 6 मंथ्स मैक्सिमम। और क्या कहा, अनलेस यू आर रेडी टू अमेंड द मार्केट एक्ट एंड अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू एंटर इन दिस एरिया, there will not be any financial support from government of India to the state। ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा, ए पेनाल्टी वॉज प्रपोज, ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में, आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया, रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो अनुचित होगा क्या? आई एम गिविंग यू प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो द अटर डुप्लिसिटी ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, भले किसान संगठन कहें कि आप मत आइए। आज मैंने सुना है श्रीमान
अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा, अखिलेश जी एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए, उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात के, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। ये सब रिकॉर्ड पर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था वो मैं आपको जरा पढ़ना चाहता हूं, ये 12 से 17 के लिए और 11 में पॉलिसी ऑप्शन जो दिया गया प्लानिंग कमीशन का, तो ये प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मनमोहन सिंह के समय में जो अनुशंसा थी उसमें क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट मे इनैक्ट इंटर स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट अंडर एंट्री 42 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो आज जो हमने काम किया, हमारे कहने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी, 2005 में शरद पवार बोल रहे थे, और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, RJD, CPI, CPM, TDP और बाकी सभी, शिवसेना साथ नहीं थी। तो आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हों लेकिन आप किसी भी सीमा में जाने को तैयार हैं, ये देश के सामने आना जरूरी है। अब जरा हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक विषय आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि इसका भी रिकमेंडेशन 2007 से 12 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ था, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कहां कहां मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा उस समय कांग्रेसी स्टेट था, आसाम उस समय कांग्रेसी स्टेट था, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका 2003 में कांग्रेस स्टेट था, महाराष्ट्र 2006 NCP और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश 2003 दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा 2006 BJD, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना। तो इन सबों ने किसानों के लिए अधिक अवसर जुटाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निर्णय किया। तो मित्रों, हाँ, एक सज्जन और हैं जिनके बारे में मुझे कहना है, मैं समांतर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पर वो इतनी टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे उनके बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी, श्रीमान योगेंद्र यादव के बारे में। हाँ, वो भी खड़े हैं, उनकी पार्टी का क्या वजूद है मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन देखिए 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए तो उनका स्वराज अभियान का ट्वीट देखिए, मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ APMC एक्ट, साइटिस्ट एज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो उस समय अगर कहा गया कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट जो है वो राज्यों का विषय है, उनको सुधार करना है, करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते हैं। तो जिस समय हम कर रहे हैं
व्यापक चर्चा करके तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये आपके सामने आना चाहिए। आ रहा हूं। अब जब पता नहीं योगेंद्र जी के बाद केजरीवाल जी का नाम लेना ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ले लूं और ये विषय मैं आपके सामने रख दूं कि जो नया कानून बना है तो इसको 23 नवंबर 2019 को 2020 को क्षमा करें, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में नोटिफाई करके गजट करके इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए मैं गजट लेकर बैठा हुआ हूँ, तो इधर आप विरोध कर रहे हैं उधर आप गजट निकाल रहे हैं, ये तो उनका काम है। तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार के बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे। तब शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग कमीशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस सरकारों ने इम्प्लीमेंट किया। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा 2019 में कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे और हम किसानों के लिए पूरे अवसर पैदा करेंगे। तो आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके तो आप सड़कों पे आते हैं। ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स, हम इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। किसान कुछ निहित स्वार्थों के चंगुल में फंसा हुआ है। हम चाहते हैं देश के छोटे मझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लारीफाई कर दूं, क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, किसानों की जमीन न बिकेगी न लीज पर ली जाएगी न बंधक होगी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी न बंधक होगी न लीज पर ली जाएगी। द फार्मर्स लैंड शैल नाइदर बी ऑन लीज नॉर विल बी सोल्ड नॉर मॉर्गेज्ड। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। बल्कि मैं पढ़ी देना चाहता हूं सेक्शन 8, स्पॉन्सर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप राइट और मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑन फार्मर्स लैंड प्रमाइसेस, उसका विस्तार से लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? दूसरा, आज जो देश में छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, अगर वो समय के अनुसार बदलना चाहते हैं, उनके अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? आईटी विभाग के रूप में मैं इस विषय को देखता हूं। हमने किसानों के लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नैम बनाया है, समझे आप, जिस पर किसान अपने को रजिस्टर कर सकता है, अपनी फसल बेच सकता है। सिर्फ आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं और देश के सामने आपके माध्यम से आना बहुत जरूरी है। अभी तक 21 प्रदेशों में 1000 मंडियों ने रजिस्टर किया है नैम पर, 1000 मंडीज ऑफ 21 स्टेट्स हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। कितने फार्मर हैं रजिस्टर्ड? 1,68,00,000। कितने ट्रेडर हैं? 1,51,000, ठीक है। और कितने का व्यापार हुआ है? 1,15,000 करोड़ रुपए का। तो आपने देखा, हमने किसानों को एक डिजिटल मंडी दी तो देश के तमाम मंडियां जुटी 1,021 प्रदेशों में, 1,68,00,000 किसान जुटे और 1,15,000 का व्यापार किया। आप अवसर देते हैं तो इस तरह से किसान उस अवसर के अनुसार अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और नए नए अवसर खोजता है। मैं सिर्फ आपको एक बात और बता के अपनी बात समाप्त करूंगा, बाकी तो सारे विषय आ गए हैं। ये हमने सिर्फ आपको दो चीज मैं बता दूं, इस कानून के पारित होने के बाद भी हमने
खरीफ में जो फसल होती है उसमें 6 फसलों के भुगतान के लिए हमने और रबी में भी न्यूनतम बिल में वृद्धि की है। और ये चर्चा मैंने बाद में कई बार ट्वीट भी की है, शायद पीयूष जी ने भी किया है, लेकिन यहाँ आपको बताना ज़रूरी है कि अभी नवंबर के अंत तक धान के पैड़ी प्रोक्योरमेंट 318 लाख टन हुआ है 60,000 करोड़ रुपए का। पैड़ी का प्रोक्योरमेंट जिसके एमएसपी आती है वो 318 लाख टन हुआ है 60,000 करोड़ रुपए का, और इसमें से सिर्फ पंजाब ने 202.77 लाख टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, यानी 64%। तो अगर जरा भी हमारा मंडी खत्म करने का इरादा होता या एमएसपी को समाप्त करने का इरादा होता तो इतनी बड़ी खरीद होती क्या? तो ये सब बातें देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए नए नए अवसर तलाश कर उनकी इनकम में और मजबूती करना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के किसान और किसानी को अनावश्यक नियंत्रण से मुक्त करना चाहती है, जिसके कारण उनके विकास में परेशानी हुई है। हाँ, एक अंतिम बात मुझे लगा कि मैं आपके सामने रख ही दूं, बहुत चर्चा हो रही है, तो एक विषय पंजाब के नेता बाकी लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, आठ मार्च 2019 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने पेप्सी का एक बड़ा प्लांट इनॉग्रेट किया आलू वगैरह सबके लिए, और 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो अवसर के लिए आप आता है तो आप काम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े अवसर की बात करते हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये किसानों को भ्रमित कर रही हैं, इनका पूरा चेहरा शर्मनाक दोहरे चरित्र का है। देयर इंटायर अप्रोच इज ऑफ शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स, दे आर सीकिंग टू कंफ्यूज बेस्ड अपॉन रॉन्ग फैक्ट्स। और दूसरी बात, जो काम आपने करने की कोशिश की, जो आपने पूरा नहीं किया, जिसको आप सही मानते थे, आज व्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। हम उनके इन पूरी धारणा का पूरा विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, और देश का किसान सच्चाई को समझता है। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। हाँ, क्षमा करिए, थोड़ा मैंने विस्तार से बोला क्योंकि देश के सामने ये सारे सच जाने जरूरी थे। देखिए, मैं उस चर्चा पर, मेरा बोलना ठीक नहीं होगा कि वो चर्चा सरकार के स्तर पर हो रही है, हमारे मंत्रीगण कर रहे हैं, तो इस विषय पर वो चर्चा करेंगे, हमारा मन खुला हुआ है। लेकिन हमने कहा कि हमारा बिल्कुल प्रामाणिकता से मानना है कि ये पूरा कानून किसानों के लिए सहूलियत देता है, अवसर पैदा करता है। अब बाकी चर्चा हो रही है तो वो चर्चा उसको होने दीजिए। इट्स द सेम क्वेश्चन अगेन, these are matters of discussion there. Here my press conference was substantially focused upon exposing the double standard, hypocrisy and duplicity of the opposition parties. Sanjay ji, बार बार हारे हुए लोगों को अगर अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए स्वार्थ पर एक दिन के लिए सड़क पर आना पड़े तो उनका अधिकार है, लेकिन जनता सच्चाई को समझती है। मैं तो फिर कह रहा हूं,
अपोजिशन पार्टी के लोग देश का मूड समझें, क्या लोकसभा, क्या विधानसभा, क्या नगर निगम। बिहार में भी तो सब लोग लगे हुए थे ना उसी काम के लिए, जो मेरा प्रदेश। कश्मीर में वोटिंग जनता ने वहाँ भी कितना खुल करके वोट दिया आपने दिखाया है। तो इसके बावजूद अगर वो देश का मूड और मिजाज नहीं समझते हैं तो ये उनके ऊपर है। अब देखिए इस पर मैं क्या कहूँ, अवार्ड लेना, अवार्ड वापस करना उनका अधिकार है। लेकिन कुछ लोग अगर अवार्ड वापसी को अचानक प्रसिद्धि का मार्ग अपनाते हैं तो उनको उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना उस पर। लेकिन अवार्ड वापसी कोई पहली बार नहीं हुई है। इसका एक और कारण है कि 2015 में भी अवार्ड वापसी काफ़ी चला था, हाँ, बिहार के लोकसभा चुनाव के पहले। और जैसे ही हम हार गए हिंदुस्तान लिबरल हो गया, अवार्ड वापसी बंद हो गई। ये भी देखा है देश ने। वो हमारी बहुत ही अच्छी सहयोगी पार्टी है और उनके नेता हमारे सरकार में मंत्री हैं, हमारी उनसे बातचीत होती है। उसका उत्तर देने के लिए मुझे प्रेस की जरूरत नहीं है। किसने, चलिए वो सब हमारे संगठन की बातचीत होती रहती है। और कोई सवाल? एक मिनट भैया, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सरकारी स्तर पर किसानों के संगठन से जो बातचीत चल रही है उसको उस प्रक्रिया में चलने दीजिए, मेरा उस पर बोलना उचित नहीं होगा। एक मैं आ रहा हूं, मेरे ख्याल में जो हमारे सचिव हैं कृषि विभाग के, उन्होंने 29 किसान के यूनियन से बात किया। उसके बाद जून में 708 वेबिनार की मीटिंग हुई जिसमें 21,231 फार्मर आए थे। जुलाई 2020 में 873 वेबिनार मीटिंग हुई जिसमें 26,196 फार्मर्स आए थे। सब हम डिटेल्स है। अगस्त में मीटिंग 852 हुई, क्योंकि वेबिनार पर क्यों हो रही थी, क्योंकि कोविड था आपको पता है। तो उसमें भी 852 वेबिनार हुए जिसमें 25,569 किसान आए थे। फिर मैं बता रहा हूँ कि चर्चा हुई है। देखिए मैं टोटल नंबर आप चाहते हैं तो 1,37,054 वेबिनार हुए जून से लेकर नवंबर के बीच में, जिसमें 92,42,376 लोग शामिल हुए। 92,42,376 लोग शामिल हुए। तो ये हम डिटेल्स आपको दे दिया। अब ऐसा है केजरीवाल जी तो बहुत कुछ करते हैं, इसमें मुझे क्या कहना है। एक तो मैं वो नोटिफाई करते हैं, अभी मैं कह रहा था इन दोनों से कि मेरे बोलने के बाद ही इसको वो फिर डीनोटिफाई कर देंगे, ये भी हो सकता है। चलिए देखिए मैं क्या बोलूं, जैसे जैसे टीएम की साख गिर रही है, जैसे जैसे मंत्री वहां छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे झूठे आरोपों का सिलसिला बढ़ रहा है। थैंक यू। सीनियर यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, सीनियर बीजेपी लीडर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस, electronics, communications and IT, they're clarifying certain issues on the farm laws, speaking on behalf of the party
And basically the purpose of his press conference was to target the opposition parties and what he says is double standards of those parties, because they basically had supported these bills outside of the current times, and when they were in power also at that point of time were pushing for these kind of reforms, and now they are pretending that they are not a part of those things. That was basically the whole purpose of his entire press conference. And he also, on top of that, highlighted